Hi guys, welcome to the next lecture of Super Quick Revision. This lecture number 18, now we are starting away with the revenue part, and that revenue part is nothing but sales variances. Okay, now this is important because many of the company's strategies are all based upon this particular part. Okay, so ye cheez baad mein aapke bahut sare questions ke na use hota hai for comments. Okay, so we are just trying to do the revision of that. Okay, so let's start away with the sales variances. So first thing, sales variances are dependent upon period. तो अगर तुम्हारा एक्चुअल डेटा वन ईयर का है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेटा वन ईयर का ही होना चाहिए. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेटा फॉर वन ईयर, एक्चुअल डेटा ऑल्सो फॉर वन ईयर. उसके बाद प्रोडक्ट्स, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं एबीसी या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था, एट व्हाट प्राइस सेल्स कितना होना चाहिए था, कितना यूनिट्स बेचा, एट व्हाट प्राइस सेल्स जो है कितने रुपीस का हो गया. ठीक है, एक बार ये वाला चीज आ जाएगा उसके बाद ध्यान से सुनना. विच ऑल वराइंसेस कम, तो सबसे पहले टोटल सेल्स वैल्यू वराइंस, उसके बाद ब्रोकन अप इनटू सेलिंग प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम ब्रोकन अप इनटू सेल्स मिक्स या कॉम्पोजिशन वराइंस एंड सेल्स क्वांटिटी या सब वॉल्यूम वराइंस. सब वॉल्यूम वराइंस का दो पार्ट, सेल्स मार्केट साइज, सेल्स मार्केट शेयर. अभी हर एक वराइंस कंप्यूट कैसे होता है, लेट्स ट्राई टू सी दैट. तो सबसे पहले टोटल सेल्स वैल्यू वराइंस, तो सेल्स कितना होना चाहिए था, सेल्स जो है कितना हो गया, दैट इज वन थिंग. सेकंड, सेलिंग प्राइस वराइंस, सेलिंग प्राइस वराइंस कैसे कंप्यूट होता है याद करो. सर, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. ओके, तो वही चीज, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. उसके बाद सेल्स वॉल्यूम वराइंस, सेल्स वॉल्यूम वराइंस इन दिस पर्टिकुलर केस कितना वॉल्यूम बेचना चाहिए था, ये वाला डेटा माइनस कितना वॉल्यूम बेचा, मतलब ये वाला डेटा इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, मतलब ये वाला डेटा. ओके, एक बार ये कर लोगे दिस विल बी गिविंग यू योर सेल्स वॉल्यूम वराइंस. तो मैंने यहां पे ये वाला चीज लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू बी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. आगे सेल्स मिक्स वराइंस, सेल्स मिक्स वराइंस कैसे कंप्यूट होता है, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. मतलब ये एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ले लो और सोचो इसका ब्रेकअप क्या होना चाहिए था, तो इस फिगर को इस रेशियो के ना डिवाइड कर लेना, तो इस फिगर का ये ब्रेकअप होना चाहिए था वो निकाल लेना, लेकिन उसका ब्रेकअप ये हो गया, डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा सेल्स मिक्स वराइंस. फिर उसके बाद तुम्हारा ये वाला वराइंस, सेल्स क्वांटिटी या सब वॉल्यूम, ये वाला वराइंस कैसे कंप्यूट होगा, स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी टू बी सोल्ड माइनस एक्चुअल टोटल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस. नाउ ये वाला वराइंस स्पीक्स अबाउट एफिशिएंसी ओवरऑल, कि सपोज ये वाला डेटा एक साल का है, ये वाला भी डेटा एक साल का है, तो एक साल के अंदर कितना यूनिट्स ओवरऑल बेचना चाहिए था माइनस ओवरऑल कितना यूनिट्स बेचा इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस. स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा, दिस फिगर डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर फिगर. ठीक है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न द ब्रेकअप ऑफ दिस. तो हम लोगों ने इसका दो पार्ट्स किया हुआ था, सेल्स मार्केट साइज वराइंस, सेल्स मार्केट शेयर वराइंस. याद रखना, मार्केट साइज आपके हाथ में नहीं होता, यूजुअली वेरी फ्यू कंपनीज लाइक सी जियो दे कैन इंक्रीज द मार्केट साइज. ओके, बट यूजुअली इट इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर. तो अनकंट्रोलेबल पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग वराइंसेस. ओके, और जो अपने हाथ में होता है that depends upon how good you work, that will be market share variance. So jo variances apne haath mein hain, those will be called as which variances, operational variances ya operating variances, kuch bhi bol sakte ho. theek hai, to planning variances kaise kaam karta hai, something like this. suppose hum log mumbai ke andar goods bechta hai, so mumbai is my market, pure bombay ke andar, pure mumbai ke andar 60,000 units bik sakta hai, uske andar se 20% was supposed to be our share. तो हम लोगों को कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था, 12,000. ठीक है, लेकिन सपोज मार्केट साइज 90,000 हो गया, पूरी मार्केट के ना इतने यूनिट्स बिके. ठीक है, तो आपका मार्केट साइज वराइंस कैसे कंप्यूट होगा,
मार्केट का साइज कितना होना चाहिए था 60,000, मार्केट का साइज कितना हो गया 90,000, तो इन ऑल पूरी मार्केट के अंदर कितने यूनिट ज्यादा बिके 30,000। ये जो 30,000 है ये पूरी मार्केट के अंदर ज्यादा बिके, हमको हमारा वैरायंस चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मार्केट शेयर। याद रखना एक्चुअल मार्केट शेयर होएगा भी तो भी स्टैंडर्ड मार्केट शेयर ही लेने का, क्योंकि अगर कुछ मार्केट शेयर के ना फर्क हुआ तो वो मार्केट शेयर वैरायंस के अंदर आएगा, हम लोग तो साइज वैरायंस का बात कर रहे हैं। ओके, सो स्टैंडर्ड मार्केट साइज माइनस एक्चुअल मार्केट साइज इनटू स्टैंडर्ड मार्केट शेयर, ये आपको बता देगा कि साइज की वजह से क्या हुआ। बस एक बार वो आ गया जिससे यहां पे बाहर मल्टीप्लाई किया था, यहां पे भी बाहर मल्टीप्लाई कर देना। अगर साइज बढ़ गया यू विल सेल मोर यूनिट्स सो वैरायंस विल बी फेवरेबल, ठीक है। अगर साइज कम हो गया इट विल बिकम एडवर्स। आगे सेल्स मार्केट शेयर वैरायंस, सेल्स मार्केट शेयर वैरायंस कैसे काम करता है। स्टैंडर्ड मार्केट शेयर ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड मार्केट शेयर इन एक्चुअल मार्केट साइज, उसका मतलब क्या है। इन दिस केस सपोज तुम लोगों ने 90,000 यूनिट्स पूरे बॉम्बे के अंदर 90,000 यूनिट्स बिके, ठीक है। 90,000 के अंदर तुम्हारा शेयर कितने परसेंट का होना चाहिए था, 20%। ओके, तो तुम लोगों को 90,000 इंटू 20% कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था, 18,000। तो बेस्ड अपॉन एक्चुअल मार्केट साइज तुम्हारा शेयर जो है 20% बोले तो 18,000 यूनिट्स तुम लोगों को बेचना चाहिए था। और फिर सम पढ़ के देख लेना कि सच्ची के अंदर कितना यूनिट्स बेचा है। सपोज सच्ची के अंदर से 15,000 यूनिट्स बेचा है तो दैट मीन्स योर शेयर हैज फॉलन एंड अकॉर्डिंगली 3,000 यूनिट्स वर लेसर सोल्ड। एक बार ये 3,000 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय द सेम पर्टिकुलर फिगर स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ याद रखना सेल्स वैरायंसेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव अ कनेक्शन विद प्रॉफिट वैरायंसेस। तो हम लोगों ने एक दो केस स्टडीज भी किया हुआ है कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे भी किया हुआ है। वैसे वाले क्वेश्चंस हैव अ ग्रेटर चांसेस ऑफ कमिंग इन द न्यू कोर्स एज कंपेयर टू ओनली द कैलकुलेशन वाला पार्ट। ओके, और अगर तुमको कभी भी जानने का है हैज सेल्स मैनेजर्स डन गुड जॉब और नॉट, तो याद रखना दिस 6th and 7th पार्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, बिकॉज दे विल tell you has a company done good, has a company done bad. Okay, chali, this particular part is all done. I'll see you all in the next part, and I think the most important part of standard costing, that will be profit variances. Okay, I'll see you all in the next lecture. Bye.